दोस्तों, फ्लावर तो हम सभी का ऑल टाइम फेवरेट होता है। बहुत अच्छा लगता है गार्डन में जब खूबसूरत से रंग बिरंगे फ्लावर खिले होते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो जब हमारे कमरे में भी रंग बिरंगे फूलों की कमी ना हो। तो अपने कमरे में भी हम ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों को ऐड कर सकते हैं और 24 आवर्स ये फूल हमारे सामने खिले रहेंगे। और अच्छे सुंदर खूबसूरत फूलों को देखने के लिए हमें गार्डन में जाने की जरूरत नहीं है। अपने रूम में भी हम कई सारे रंग बिरंगे फूलों को ऐड कर सकते हैं और घर के इंटीरियर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये पूरे ही फ्लावर जो मैं दिखा रही हूँ आज, ये सारे ही परमानेंट हैं, एवरग्रीन हैं, हार्डी हैं। तो दोस्तों, चलिए इनका नाम जानते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरीके से हम कमरे में रख सकते हैं और इनकी फ्लावरिंग कब कब होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ही हम न्यू इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो इनडोर प्लांट आज देख रहे हैं, ये इनडोर फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें फूल भी आते हैं। साथ ही साथ अभी जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं तो हम अपने रूम में भी बहुत सारे फ्लावर ऐड कर सकते हैं और कमरे में भी हम गार्डन वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी छोटे छोटे हाउस प्लांट तो हम सभी को पसंद आते हैं, पर फ्लावरिंग प्लांट भी कई सारे होते हैं, जिसमें से नंबर वन पे ये क्रिसमस कैक्टस है। और ये इतना हार्डी प्लांट है कि कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है और काफ़ी ग्रीन फॉलिएज होते हैं इसके और फ्लावरिंग भी होती है इसमें। अभी जैसा कि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट रूम के लिए सुटेबल होते हैं और जीरो लाइट में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, ये क्रिसमस कैक्टस है जिसमें आजकल फूल खिल रहे हैं। दिसंबर जनवरी में अच्छी फ्लावरिंग होती है, सर्दियों में फ्लावरिंग होती है, साथ ही इसके फॉलिएज सदाबहार होते हैं। फूलों के कलर कई सारे मिल जाएंगे, जैसे कि पिंक है, वाइट है, रेड, येलो, और ये हैवी ब्लूमिंग करते हैं। अभी तो ये न्यू प्लांट है तो आपको दो तीन ही फ्लावर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूस बड भी आते रहते हैं। दो फ्लावरिंग हो रही है और भी कई सारे बड हमें दिख रहे हैं, तो इस तरीके से फ्लावरिंग होती रहेगी। बहुत सुंदर लगते हैं ये फ्लावर और बहुत ज़्यादा इस प्लांट की देखभाल भी नहीं करनी होती है, थोड़ी सी हमें ओवर वाटरिंग कम करनी होती है और इग्नोरेंट प्लांट कहेंगे तो सही रहेगा। प्लांट रूम में हमारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। दूसरा पौधा है ये साइक्लामेन, जिसमें कई सारे फूल खिले हुए हैं और ये भी कई सारे रंगों में मिल जाते हैं, सफ़ेद, गुलाबी, नीले, पीले। तो ये फिलोडेंड्रॉन है जो बल्ब से ग्रो होता है, लेकिन ये इनडोर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, एक स्टिक के साथ इसमें फ्लावर आते हैं और कमरे के लिए सुटेबल होते हैं। रूम में आप इस फिलोडेंड्रॉन प्लांट को रख सकते हैं और जैसा कि बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए, जीरो लाइट में, विंडो ब्राइट लाइट में, सभी पे ये अच्छे से चलेंगे दोस्तों। और ये परमानेंट बल्ब प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग भी इसमें स्प्रिंग सीजन में अच्छी होती है। और ये जो होते हैं बल्ब से ग्रो किया जाता है, तो इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है और ये बल्ब मल्टीप्लाई भी होते हैं, फिर इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है ये पीस लिली। बड़े खूबसूरत से फ्लावर हैं पीस लिली के, सफ़ेद रंगों में आते हैं और इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ग्रीन होती हैं, फॉलिएज सदाबहार होते हैं और इनके फूल जो खिलते हैं वो भी कई दिनों तक खिले रहते हैं और काफ़ी अच्छा होता है ये फ्लावर। जैसा कि नाम ही है पीस लिली, तो ये शुभ होते हैं। वास्तु और फेंगसुई दोनों के अकॉर्डिंग पीस लिली इंडोर रखना बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें भी फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग सीजन में, समर में, और ये सदाबहार होते हैं। पीस लिली को डिवीजन से प्रोपगेट किया जाता है और इसे वाटर में भी ग्रो किया जाता है। ये परफेक्ट इंडोर प्लांट होते हैं जो लो लाइट में भी अच्छे ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी होती रहती है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाते हैं तो इसे हमें इंडोर रखना है और आजकल इन्हें वाटरिंग भी कम करनी है। तो ये काफ़ी शुभ प्लांट होता है जो हमारे घरों को काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। बड़ा ही डेकोरेटिव और डिफरेंट लुक का एंथोरियम प्लांट है जिसे इंडोर ग्रो किया जाता है और इसमें जो रेड कलर की पत्तियां जैसी दिख रही हैं, ये इसके फ्लावर होते हैं और ग्रीन इसके फॉलिएज होते हैं। ये भी पूरे साल चलते हैं, एवरग्रीन होते हैं और इसमें इस तरीके के फ्लावर देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी कलर वेराइटी मिल जाती है। तो ये प्लांट भी बड़ा ही अच्छा चलता है, एवरग्रीन और हार्डी होने के साथ इनडोर के लिए सही रहते हैं। इसमें भी ओवर वाटरिंग कम करनी होती है। साथ ही दोस्तों, ये प्लांट पूरे साल
साल चलते हैं और फ्लावरिंग भी इसमें अच्छी होती है। थोड़ा सा ये पॉइजनस होते हैं इनके फ्लावर, और जो यह येलो सा दिख रहा है टॉप पे, तो इसे हमें अपने पेट और बच्चों से बचाना होता है। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है और बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, जो हार्डी होने के साथ साथ डेकोरेटिव होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से रेयर भी होते हैं। तो ये एंथूरियम के प्लांट है जिसे हम रूम में डेकोरेट कर सकते हैं, और डेकोरेटिव प्लांट है ये। एंथूरियम परमानेंट इंडोर प्लांट होते हैं और ये ऑनलाइन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो अगर ये नर्सरी में मिले सही प्राइस पे तो हम इसे ले सकते हैं और ये पूरे साल चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिगुनिया के प्लांट हैं। बिगुनिया में भी कई सारी प्लांट वैरायटी होती है, स्पेसीज इनके होते हैं, और फ्लावर के क्या कहने, रंग बिरंग के और वैरायटी के फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। पत्तियों के रंग भी डिफरेंट मिल जाएंगे, रेड, ग्रीन और पोल्का डॉट वाले भी, तो रेक्स बिगुनिया भी होती है। इन सबको हम इंडोर ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये शेड लविंग होते हैं। आप इसे बाहर शेड में रखें या आप इसे इंडोर विंडो ब्राइट में रखें, दोनों ही अच्छे चलते हैं। ये भी बिगुनिया की ही वैरायटी है और इसके भी फॉलिएज बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बिगुनिया की वैरायटी मिल जाती है जो इंडोर के लिए सुटेबल होते हैं, और अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। फ्लावरिंग वाले इंडोर प्लांट भी मिल जाते हैं, बिगुनिया की वैरायटी मिल जाती है, और ये प्लांट भी ओवर वाटरिंग कम किया जाता है। इसमें कुछ कटिंग से और कुछ सीड से और कुछ बल्ब से भी ग्रो करने वाले बिगुनियास पाए जाते हैं। अब हम होया प्लांट देखेंगे, जो इंडोर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये ट्रेलिंग वाइन्स होते हैं जो हाउस प्लांट में काफ़ी पॉपुलर होते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें भी कई सारी वैरायटी होती है और फ्लावर जो होते हैं गुच्छों में खिलते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि होया प्लांट जो होते हैं ये पेट के लिए फ्रेंडली होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स सभी के लिए ये सही होते हैं, और फ्लावर भी कई दिनों तक खिले रहते हैं। इनको भी कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है और ये इंडोर के लिए फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो इंडोर भी खिलते हैं ये है अफ्रीकन वॉयलेट, जिसमें पर्पल, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर की ब्लूमिंग होती है, और ये जो होते हैं बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। साथ ही इनडायरेक्ट लाइट में हम इसे ग्रो कर सकते हैं, और इनका फेस जो होता है साउथ ईस्ट और वेस्ट में रख सकते हैं। इनके सॉइल को हमें स्लाइटली मॉइस्ट रखना है। प्लांट बहुत बड़े नहीं होते, टॉल नहीं होते, और इनके फॉलिएज को हमें ओवर वाटरिंग से बचाना होता है, अदरवाइज इनके फजी लीव्स ड्राई होने लगते हैं और उसमें ब्राउन स्पॉट भी आने लगते हैं। तो इस तरीके से अफ्रीकन वॉयलेट भी बड़े ही अच्छे होते हैं, पेट फ्रेंडली भी होते हैं। ये आप इसे रूम में रख सकते हैं इजीली, साथ ही ये प्लांट भी पूरे साल चलते हैं और रूम में खिलते भी हैं। नेक्स्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है कैलेंचो। बहुत ही बेहतरीन फ्लावर इसमें आते हैं, गुच्छों में फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, और ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं। इनकी ग्लॉसी ग्रीन लीव होती है और फ्लावर के कलर ब्राइट रेड, येलो, पिंक और ऑरेंज में मिल जाते हैं। ये है ऑर्चिड के फ्लावर जो काफ़ी डेलिकेट लुक वाले होते हैं, और ये जो होते हैं महीने के लिए खिलते हैं और पूरे साल ये प्लांट बने रहते हैं। थोड़ी सी इनकी हमें केयर करनी होती है। ऑर्चिड प्रेफर करते हैं ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, विंडो ब्राइट लाइट इनके लिए सुटेबल होता है, और ये प्लांट का जो फेस होना चाहिए ईस्ट और वेस्ट फेस होना चाहिए। साथ ही इनको हमें हफ्ते में एक बार ही वाटरिंग करना होता है, और जब तक पूरी तरह से वाटर ड्रेन आउट ना हो जाए हम दोबारा वाटरिंग इसमें नहीं करेंगे। डार्क ग्रीन कलर के फॉलिएज होते हैं, पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं, और फ्लावर का लुक भी काफ़ी डिफरेंट और एलिगेंट होता है। ये भी एवरग्रीन इंडोर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऑनलाइन ये प्लांट अवेलेबल है। ये है क्लीविया के फ्लावर। इसके फूल जो होते हैं येलो और ऑरेंज कलर में बड़े ही खूबसूरत होते हैं, और एक साथ कई सारी ब्लूमिंग होती है तो बंच में खिलते हैं। क्लीविया एमराइलिस प्लांट के रिलेटिव होते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग इसमें ब्लूमिंग होती है येलो ऑरेंज फ्लावर की, और इनके लीव ग्लॉसी होते हैं, और ये मॉइस्ट लाइट और कंडीशन में भी टॉलरेट कर लेते हैं। इनकी वाटरिंग में गैप रखिए, ड्राई आउट होने के बाद ही इसमें वाटरिंग करनी होती है। इसमें ब्लूमिंग फरवरी मार्च में होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसमें से कौन कौन से फ्लावर आपने इंडोर रखा हुआ है, कौन कौन से इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास, ये भी कमेंट में बताएं। यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।
गाइज, अगर आप भी ये फ्लावर परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन पे या किसी भी ऑनलाइन साइट पे ये फ्लावर अवेलेबल होते हैं, और आप इसको ऑनलाइन के साथ साथ नर्सरी में भी सर्च कर सकते हैं तो ये मिल जाते हैं कभी ना कभी। तो इस तरीके से ये परमानेंट और हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है जो हम इंडोर रख के अपने गार्डन वाला लुक दे सकते हैं घर को भी। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।